बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा हूं आज मैं, लग रहा है ना आपको क्या हुआ है, गर्व के कारण सीना चौड़ा हुआ जा रहा है। खबर ही कुछ ऐसी है, देखिए नाटो नाटो जो एकदम एनर्जी वाला सॉन्ग है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था, एक साल से धूम मचा हुआ था, जिसने पिक्चर ने अभी लास्ट मंथ जनवरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था, आज ऊंचाइयों की चरम सीमा पर है। नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल क्रिएटिव सॉन्ग में ऑस्कर मिला है, और इसके साथ साथ एलिफेंट विस्परर शॉर्ट मूवी को हमारे एक को ऑस्कर मिला है। कहीं ना कहीं शॉर्ट मूवी का मैजिक कम होता दिख रहा है, अगर नाटो नाटो को ऑस्कर नहीं मिला होता तो शायद ना इसको अपना असली क्रेडिट मिलता, क्योंकि ये इस मूवी को भी ऑस्कर मिला है, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी में इसको ऑस्कर मिला है। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी क्या है। आरआरआर का सॉन्ग नाटो नाटो जो एक साल से धूम मचाए हुए था, जनवरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था जिसने, वो बड़ा गर्व का विषय है। ये आप देख रहे हैं कि आरआरआर जो राजामौली, एसएस राजामौली की फिल्म है, जिनको आप जानते होंगे बाहुबली, मक्की और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, जो अपने परफेक्शन से और अपने क्रिएशन से दुनिया का दिल जीते हुए हैं। उनका ये सॉन्ग ऑस्कर विनिंग सॉन्ग में आया है, ओरिजिनल क्रिएटेड सॉन्ग की कैटेगरी में उनको ऑस्कर से नवाजा गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी सॉन्ग को, ओरिजिनल क्रिएटेड सॉन्ग को, जिसको ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कॉपी कट पेस्ट वगैरह चलता है, म्यूज़िक कहीं से कॉपी किया जाता है, वर्ड कहीं से उठाए जाते हैं, लेकिन ये सॉन्ग जो क्रिएट किया गया इसको ओरिजिनल ऑस्कर विनिंग सॉन्ग के नाम से, ओरिजिनल क्रिएटेड सॉन्ग के नाम से ऑस्कर दिया गया है। ऑस्कर का लेवल क्या होता है अवार्ड का, वो मैं आपको बताता हूँ, आगे बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इस कैटेगरी में हुआ है। ये कुछ पिक्चरें हैं, ये देखिए नाटो नाटो जो बहुत सारी लैंग्वेज में ये सॉन्ग बनाया गया, आंध्र प्रदेश सिनेमा में सबसे पहले इस फिल्म को क्रिएट किया गया था, और तेलुगु फिल्म थी, तेलुगु में नाटो नाटो है, बाद में इसको हिंदी में क्रिएट किया गया, जिसमें 166 मिलियन व्यू अभी तक हो चुके हैं हिंदी में। अलग अलग लैंग्वेज में इसने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं, 66 मिलियन के करीब इसमें लिरिक्स अभी तक इसके कॉपी किए जा चुके हैं। सॉन्ग बहुत ही वो पिक्चर है नाटो नाटो का, ये प्रीमियर जो हुआ था उसका ये पोस्टर लॉन्च हुआ था, राजामौली जी हैं, राजामौली जी को 95th एकेडमी अवार्ड में ओरिजिनली क्रिएटेड सॉन्ग में नाटो नाटो को ऑस्कर मिला है। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म को भी ऑस्कर मिला है, जिसका कुछ कम आंका जा रहा है नाटो नाटो की धूम में, उस फिल्म को कम आंका जा रहा है। उस फिल्म के बारे में बताते हैं, आरआरआर मेकिंग के बारे में बताते हैं, 550 करोड़ की ये फिल्म बनी, 550 करोड़ की लागत आई, 25 मार्च 2022 को ये रिलीज हो गई थी। लगातार इसका सॉन्ग बॉक्स ऑफिस पे और वर्ल्ड सिनेमा पे छाया हुआ था, पूरी दुनिया में इसे पसंद किया जा रहा था, पता नहीं कितने प्रैंक वर्ल्ड लेवल पे इस पे प्रैंक बन रहे हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे इसके प्रैंक लगातार आते जा रहे हैं। आरआरआर तेलुगु फिल्म है, आंध्र प्रदेश सिनेमा में बनी हुई है, आरआरआर के प्रोड्यूसर एसएस राजामौली हैं, जिन्होंने बाहुबली और मक्खी जैसी फिल्में बनाई हैं। आरआरआर को बेस्ट ओरिजिनल क्रिएटेड सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, 95th ऑस्कर अवार्ड है ये, 1929 में ऑस्कर अवार्ड शुरू हुए थे। आरआरआर सॉन्ग को अभी जनवरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, जनवरी 23 में ही, अभी एक दो महीने पहले ही, और कुछ यूक्रेन और रूस के युद्ध से भी, यूक्रेन से भी इसका नाता जुड़ता है, युद्ध की बात नहीं करेंगे लेकिन युद्ध से पहले कुछ हुआ था, रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरे वर्ल्ड में छाया रहा, लेकिन ये गाना जो छाया है इसका भी इससे एक कनेक्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो इस गाने की शूटिंग हुई थी वो ओरिजिनली जो हुई थी वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के महल के सामने हुई थी,
जो महल है ये महल की फोटो दिखाई गई है और महल के आगे इस गाने की शूटिंग हो रही है, जिसमें 50 से ज़्यादा बैकग्राउंड एक्टर्स ने इसमें भाग लिया जो डांस कर रहे थे। और कुछ ये हुआ कैसे, नाटो नाटो इतना बड़ा सॉन्ग कैसे बन गया और किस तरीके से उसने ऑस्कर जीता। नाटो नाटो जब क्रिएट किया गया था तो 15 महीने इस गाने को तैयार करने में लगे, जिसका 90% तो 2 दिन में तैयार हो गया था, लेकिन 10% जो परफेक्शन डाला गया वो 15 महीने उसमें लगे, तो नाटो नाटो सॉन्ग बन के तैयार हुआ। ऑरिजिनली इस सॉन्ग का सिलेक्शन 81 सॉन्ग्स इस कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से फाइनल कैटेगरी में 15 सॉन्ग आए और नाटो नाटो ने आखिरकार वो करिश्मा कर दिखाया और हम लोगों का सर जो है गर्व से ऊंचा हो रहा है। दुनिया में इंडिया का डंका बजाया है नाटो नाटो सॉन्ग ने। ऑस्कर अवार्ड की इतनी महत्ता क्यों है वो आगे हम बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड किस तरीके से शुरू हुआ और क्या उसमें मिलता है और क्यों इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है। ये महल के बारे में बताया, इस महल के सामने इसकी शूटिंग हुई थी। नाटो नाटो का प्रेजेंटेशन वहां पर जो दिया दीपिका पादुकोण को, इसीलिए शायद वहां बुलाया गया था, फुली कॉन्फिडेंशियल होता है। अवार्ड के ऊपर, ट्रॉफी के ऊपर फिल्म का नाम और ईयर लिखा जाता है और ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था क्योंकि दीपिका पादुकोण को जब इन्विटेशन आया तो इंडियन फिल्म का इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होना है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट है, तभी दीपिका पादुकोण को वहां बुलाया गया था। शायद दीपिका पादुकोण ने सॉन्ग से पहले, डिक्लेरेशन से पहले इसका प्रेजेंटेशन दिया और नाटो नाटो सॉन्ग वर्ल्ड पटल पे अपना धूम मचा गया। और इसके अलावा नाटो नाटो के धूम में हम कुछ एक अवार्ड को और भूल गए। एलिफेंट विस्पर्स के नाम से एक शॉर्ट मूवी बनी, डॉक्यूमेंट्री थी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इसको मिला है। और ये इस नाटो नाटो के धूम में हमें इसे नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये अवार्ड जो मिला है ये गुरमीत मोंगा जी को मिला है और गुरमीत मोंगा जी को ये दूसरी बार अवार्ड मिला है, दूसरी बार ऑस्कर जीत के आई हैं गुरमीत मोंगा जी। और 2019 में भी गुरमीत मोंगा जी की एक फिल्म थी पीरियड्स के नाम से, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नाटो नाटो की धूम में कहीं ये छोटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर नाटो नाटो नहीं होता तो ये इसको भी उतना ही ख्याति मिलती, इतनी ही लोग उसको प्रशंसा करते। नाटो नाटो की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने भी की है, प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में नाटो नाटो को और राजामौली जी को बधाई दी है और कहा है इस तरीके से इंडियन सिनेमा जो है विश्व पटल पे हम लोगों की पहचान बना रहा है, हम अच्छी फिल्में दे रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। बताते हैं ऑस्कर की इतनी वैल्यू क्यों है, ऑस्कर को कहां से नाम पड़ा, इसके पीछे कई थ्योरियां हैं, जबकि इसको कहा जाता है कि एकेडमिक अवार्ड हैं, 1929 में शुरू हुए थे। ऑस्कर 70 कैटेगरीज में दिया जाता है, 17 कैटेगरी में ऑस्कर का अवार्ड दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर विनिंग जो फिल्म है अभी तक 2 फिल्में हैं, टाइटैनिक और दूसरी है द लॉर्ड्स ऑफ रिंग, टाइटैनिक एंड लॉर्ड्स ऑफ रिंग। तो इसमें दोनों को ही 11-11 अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में, 17 कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो 11-11 अवार्ड दोनों ही मूवी ये जीत चुकी हैं। इसमें कोई प्राइज मनी नहीं दिया जाता ऑस्कर में, अगर आप सोचते हैं कि उसमें प्राइज मनी दिया जाता है, प्राइज मनी कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक बैग दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स आइटम्स या यूजेबल आइटम्स होते हैं जिनकी वर्थ 1.3 करोड़ रुपीज़ के करीब आती है। तो ट्रॉफी में जो दी जाती है, एक वुमेन बनी होती हैं, वो तलवार पकड़ के खड़ी होती हैं जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके की एक ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, इतना ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी क्यों है, जबकि लोग समझते होंगे कि ट्रॉफी शायद सोने की बनी होती होगी, लेकिन सोने की नहीं होती है। ट्रॉफी जो बनी होती है वो टिन की बनी होती है, उसमें 7.5% कॉपर होता है और 92.5% टिन होता है और उसकी वो ट्रॉफी बनी होती है। इसके बारे में एक थ्योरी, एक कहानी भी है कि 2000 में जो ट्रॉफी बनाने वाली कंपनी थी उसमें 52 ट्रॉफीज वहां से चोरी हो गई थी, समवन स्टॉल इन दीज 52 नंबर्स ऑफ द ट्रॉफी, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक स्क्रैप डीलर के यहाँ मिली क्योंकि ये सोच के चोरी हुई थी शायद ये सोने की होती होंगी, इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है तो सोने की ट्रॉफी होती होंगी, लेकिन
ट्रॉफी की कीमत उस स्टेज पे मिलने की है, ट्रॉफी की अपनी वर्थ कुछ नहीं है, लेकिन अगर उस विश्व पटल के स्टेज पे मिलता है जो ऑस्कर विनिंग सेरेमनी होती है, तब इस ट्रॉफी की वैल्यू मानी जाती है। तो ऑस्कर के बारे में, और यह भी कहा जाता है आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड से के नाम से इसको जाना जाता है, 1929 में यह शुरू किया गया था ऑस्कर अवार्ड। इस पुरस्कार को हर साल एक बार आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, यूएस के अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कारों से ये बाकी अलग होता है। हॉलीवुड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो होते हैं उनसे ये अलग होता है, यूएस में ये आयोजित किया जाता है। पुरस्कार का नाम ऑस्कर क्यों पड़ा, डिफरेंट थ्योरी है। एक बार संयोजक ने, जो कि डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और प्रोड्यूसर अपने ही आवाज पे इसको बुला के दिया करते थे, एक बार संयोजक ने इसे ऑस्कर के रूप से उठाया, कि वैसे ही बोल दिया इसका अवार्ड, तो ऑस्कर सबको पसंद आया। और जब से ऑस्कर की थ्योरी चलने लगी कि ऑस्कर है इसका नाम, इसको ऑस्कर के नाम से बुलाया जाएगा, तो जब से इसका नाम ऑस्कर पड़ गया, इसके पीछे और कोई थ्योरी नहीं है। तो ये बड़ा गर्व का विषय है, ब्रांड वैल्यू है इस अवार्ड की बहुत बड़ी। ऑस्कर अपने में जीतना एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू बनाता है, आपको विश्व पटल पर नाम देता है, इसलिए इसकी वैल्यू है, क्योंकि पैसे से जोड़ के इसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर एक बार आप ऑस्कर जीत जाते हैं, जैसे कि हमारे जय हो गाने ने जीता था, बहुत सारी कैटेगरी में ऑस्कर मिला हुआ है, ये कैटेगरीज हैं कुछ जिसमें ऑस्कर अभी तक इंडिया ने जीता है, 17 कैटेगरीज में मिलता है, ये कैटेगरीज की लिस्ट है जिसमें ऑस्कर अभी तक दिया जाता है। तो इसको मतलब पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली हुई है ऑस्कर को, और ऑस्कर विनिंग फिल्म्स या ऑस्कर विनिंग सॉन्ग्स जो होता है अपने में इतना बड़ा नाम हो जाता है, इतना बड़ा नाम हो जाता है कि उससे कितना भी पैसा, कितना भी नाम, कितना भी ख्याति कमाई जा सकती है। वैसे तो 24 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन मेन 17 कैटेगरी हैं। ये कैटेगरी हैं जो पिक्चर में दिखाई गई हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में दो एक्ट्रेस एंड एक्टर, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट अडेप्टर स्क्रीन प्ले, बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। तो इनमें 17 मेजर कैटेगरी हैं, बाकी 24 कैटेगरी होती हैं, जिसमें से कि बेस्ट RRR को जो नटो नटो सॉन्ग को मिला है वो बेस्ट ओरिजिनल क्रिएटेड सॉन्ग में मिला है। तो अभी तक इंडियंस की अगर बात करें, इंडिया में भानु अथैया को सबसे पहले 1982 में मिला था। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी गांधी मूवी में, और भी कई बड़ी मूवी में इन्होंने दिया था। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 1992 में। रसूल पुटक्की को मिला 2009 में, गुलजार को 2009 में जय हो गाने के लिए मिला, AR रहमान को मिला, और अब कृतिकी गोंसाल्वे एंड गुनमीत मोंगा जी को ये दूसरी बार मिला है। पहले पीरियड फिल्म के लिए भी मिल चुका है, शॉर्ट फिल्म के लिए, और RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को 2023 का अवार्ड मिला है। ये हैं भानु अथैया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का इन्होंने गांधी फिल्म में 1982 में इनको ऑस्कर मिला था। सत्यजीत रे जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, 1992 में मिला था, हॉनरेरी अवार्ड के नाम से इनको दिया गया था। इसके अलावा रसूल पुटक्की को जय हो गाने के बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको अवार्ड मिला। गुलजार जी को जय हो गाने के लिरिक्स के लिए मिला, सॉन्ग ओरिजिनल, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, राइटिंग के लिए मिला। और AR रहमान जी को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के का ये अवार्ड 2009 में मिला, जय हो गाने को ये अवार्ड मिला था। कृतिकी गोंसाल्वे एंड गुरमीत मोंगा जी को इस बार 2023 का ये अवार्ड मिला है इनकी मूवी के लिए, जो मैंने आपको बताया, और पहले भी गुरमीत मोंगा जी को मिल चुका है। ये RRR के नाटू नाटू को ये अवार्ड मिला है। ये खुशी के पल हैं, स्टेज की ये पिक्चर है, देखिए। इसके अलावा ये जो मूवीज़ हैं,
ये इंडियन मूवीज़ वैसे तो बहुत सारी हुई हैं, उसमें से कुछ मूवीज़ जो नॉमिनेशन के लिए भेजी जाती हैं, नॉमिनेशन प्राइवेट भी किया जा सकता है और गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, IIF के द्वारा, इंडियन फिल्म एसोसिएशन जो है IFA के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है, फिल्में वो भेजता है। तो इस तरीके की जो मूवीज़ हैं, एक से एक मूवी बनती हैं, उसमें से कुछ ही अवार्ड पूरे विश्व पटल पर धूम मचाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गर्व का विषय है, आप सभी को बधाइयाँ, राजा मौली जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने इतने परफेक्शन के साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, और एक साल से इनका ये गाना धूम मचाए हुए था, उम्मीद थी कि इस गाने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतना क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए हम लोग लगातार लगे रहते हैं, जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और ये तो देश को गर्व करने वाली है, देश का नाम ऊंचा करने वाली इन्फॉर्मेशन है, तो सेलिब्रेट करते हैं। जय हिंद।